हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्जेस बेसिक मैथ्स। तो हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति चल रहा था। इसकी दो क्लासेस हो गई, आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है। और हम आपको बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर एंड क्यूब कवर हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और करंट जो टॉपिक चल रहा है वो है मेंसुरेशन, ये इसका पांचवा टॉपिक है। तो ये सारी क्लासेस जो है वो हमने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, दो क्लासेस में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। ये कह रहा है द साइड्स ऑफ ए रूम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ इट्स एरिया इज 24 स्क्वायर मीटर्स देन द पेरीमीटर इज नोन। एक कमरे की भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, यदि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप क्या करें। ठीक है, एक कमरे की भुजाओं की बात की गई है जिसमें हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है। भुजाओं में जो अनुपात दे के रखा है 3:2 का रखा है, ठीक है, अनुपात हमको दे के रखा है 3:2। भुजाएं हैं तो इनके साथ में है एक्स जोड़ लिया। इनके क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम आपको एक और चीज दिखा देते हैं। हम जब आयत कर रहे हैं ना, तो आयत के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारा आयत का सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के परिमाप की बात करते हैं तो होता है 2 × L+B, जहां L जो होते लंबाई होती है, B जो होती है चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है LB, ठीक है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, विकर्ण जो होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमने आपको कुछ ट्रिक बताए थे जिनको हम ट्रिपलेट कहते हैं, जैसे 3 4 5 का, 5 12 13 का, 8 15 17 का और 15 20 25 का, जिनका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, 3 × 6 x² पर इन्होंने क्षेत्रफल जो है ऑलरेडी हमको कितना देकर रखा है, 24 वर्ग मीटर देके रखा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है 24 के बराबर है। अब हम काट देंगे, 6 कम 6 6 चौक 24, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं अंडर रूट कहाँ से आया, तो भाई स्क्वायर हटा, जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर जाके अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इन्होंने क्या कहा है भाई, परिमाप बताओ, परिमाप बतानी है। तो इस हिसाब से लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 3 × 6, चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, 2 × 4। ठीक है, चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लो, 2 × L+B से। ठीक है, तो 2L जो है वो हमारा 6 है और B जो है 4 है, तो 6 4 10 × 20 हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये आयत है, एक 6 है, ठीक है, तो ये वाली भी 6, एक दूसरी 4 है तो ये वाली भी 4, 6 4 10, 6 4 10 10 10 20, चाहे जैसे करना चाहे आप कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर, 20 मीटर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारा 16वां। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर रीड 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाए तो नए आयत और पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आयत की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे। ठीक है, तो इन्होंने का क्या कहा है भाई, पहले आयत की लंबाई मान लेते हैं इन्होंने, चलो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। लंबाई के लिए एल लिया, लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, आधा, आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2। अब ये क्या करी जा रही है, लंबाई भी बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है, तो मतलब पहले 2 थी, बढ़ कितनी रही है, 1 बढ़ रही है, तो अब हमारी क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है ना। ठीक है, तो अब हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी लंबाई। ठीक है, पहले इतनी थी, ठीक है, पहले हमारी इतनी थी लंबाई, इतनी थी, और बढ़ हमारी कितनी रही है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये घटना या बढ़ना हमसे दिखाता है। ठीक है, घटना हो तो इसको घटा देंगे, बढ़ना हो तो इसी नंबर को नीचे वाले में बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये हमारी पहले वाली शो हो रही है। ठीक है, ये जो पहले थी वो शो हो रही है, तो हमें
हमारी बढ़ रही थी ना, तो दो में एक जोड़ दिया, 3 हो गया। 2, अब इसका मतलब क्या था, पहले 2 थी अब 3 हो गई ये लंबाई। चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई जो इन्होंने कहा है 20% बढ़ाई जा रही है। अब 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 50% का मतलब होता है 50/100, 50 × 100। ऐसे 20% का मतलब होता है 20/100, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 5 = 10, 0 तो हमारा कट ही गया, ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, पहले 5 थी, बढ़ कितनी रही है 1, तो अब क्या हो गई, 6 हो गई है। ठीक है, अब इससे क्या शो हो रहा है, पहले 5 थी अब 6 हो गई है। इन्होंने क्या कहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल, नए नए का, तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने, मतलब नए का पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नए की बात पहले की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नए, नए का क्षेत्रफल और फिर पुराने का क्षेत्रफल। ठीक है, पुराने का क्षेत्रफल ये बात कर रहे हैं, तो नए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, नया क्या है, ये नया वाला है चौड़ाई और ये नई वाली है लंबाई, तो तिछांक हो जाएगा 18। ये है पुरानी वाली लंबाई, ये है पुरानी वाली चौड़ाई, 2 × 5 = 10, काट देंगे 2 से, 2 × 18, 2 × 5 = 10, तो हमारा क्या रेशियो आ गया, 9:5 या 9/5। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, जो दिया है उसी को ही हमने आगे लेके गए। ठीक है, जब बढ़ाने के बोल रहे हो तो बढ़ा दो, अगर ये घटाने को बोल रहे हो तो 2 में से 1 घटा जा घटा देते तो यहाँ पे 1 आ जाता। फिलहाल इन्होंने बढ़ाने की बात की थी, तो हर में ही हमने अंश को जोड़ दिया, तो इस तरीके से हमारी नई लंबाई चौड़ाई आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वॉज इंक्रीज बाय 50%, वाई वॉट परसेंटेज शुड इट्स विड्थ बी रिड्यूस सो दैट द एरिया रिमेन द सेम। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। एक वर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो है समान। ठीक है, मान लेते हैं हमारी जो पहले लंबाई थी 100 थी, ठीक है, हमने कितनी बढ़ाई, 50%, 100 का 50% कितना हुआ, 50, तो हमने 50 इसमें बढ़ा दी, तो अब हमारी लंबाई कितनी हो गई, 150। ठीक है, अब इन्होंने कहा था है कि क्षेत्रफल जो है वो हमारा समान रहे। भाई अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को घटाना ही तो पड़ेगा, चौड़ाई को घटाना पड़ेगा तभी तो हमारा क्षेत्रफल समान रहेगा। तो मान लेते हैं हमारी चौड़ाई जो थी पहले कितनी थी, 150 थी, अब हमने इधर 50 पॉइंट बढ़ाए हैं तो इधर 50 पॉइंट हमको घटाने पड़ेंगे, तो हमारी चौड़ाई जो है वो क्या निकल के आ जाएगी, 100 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कितनी परसेंट जो है चौड़ाई में कमी की जाए, तो भाई हमने कमी कितनी की, कितने अंक की, 50 अंक की। पहले हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, कमी की हमने 50 अंक की, और पहले हमारी थी कितनी, पहले थी 150, कमी की 50 की। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे, 5 × 3 = 15, हमारा क्या आ जाएगा, 1/3। इन्होंने कहा इसको परसेंटेज में बताओ, तो 1/3 की परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो होती है 33/1/3। ठीक है, इसको आप निकालोगे कैसे, इसको आप 100 से गुणा कर दो। ठीक है, और 100% से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 33/1/3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको फॉर्मूले से करना हो तो हम कैसे करेंगे, एक्स अपॉन में हम लिखेंगे यहाँ पे 100 ± x इंटू में 100%, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स यहाँ पे क्या है, तो एक्स जो है वही हमारा क्या है, कितना हमने घटाया बढ़ाया, 50 अंक हमने बढ़ाया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमी करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम, इन्होंने पहले बात किसकी की थी, लंबाई की बात की थी, तो 100 का 50% 50 हुआ, और यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, हमने बढ़ाया था 50 अंक तो हमने प्लस में कर दिया,
इनटू में 100%, तो वही हमारा 50/150 आ जाएगा काट पेट के, यही हमारा 33 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, वही हमारी बात निकल के आ रही, चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, बस आपको लर्न रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क पार्क इज 10 मीटर्स एंड द विथ इज 8 मीटर्स। आउटसाइड दिस पार्क देयर इज 1 मीटर वाइड रोड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड। मतलब एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर का रास्ता है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्या बताने हैं, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम जो है वो हमें ड्रॉ करके आपको समझाना पड़ेगा। ये है हमारा आयताकार पार्क जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई जो है 8 मीटर की है, बाहर 1 मीटर का रास्ता बनाया जा रहा है, मतलब इसके बाहर चारों तरफ क्या बनाया जा रहा है, 1 मीटर का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, मतलब जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 मीटर की है। ठीक है, तो बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में जो आपको समझ में ना आए। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 10 में 1 इधर बढ़ गई और 1 इधर बढ़ गई, तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 12। अगर इधर की चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो इधर भी हमारी 2 बढ़ गई है। ठीक है, एक इधर से बढ़ गई एक इधर से बढ़ गई, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो क्षेत्रफल है, बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 गुणे में 10, अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 गुणे में 8, बस घटा दो, ये हो जाएगा हमारा 120, ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर, बस हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारा 19th क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इफ द डायगोनल एंड विथ रेशियो ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:3, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड। एक आयताकार खेत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात, विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात बोल रहे हैं, 5:3 है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, इसको हम ट्रिपलेट से करेंगे। ट्रिपलेट हमने आपको क्या क्या बताए थे एक बार हम आपको क्लियर करा देते हैं। एक हमने बताया था 3, 4, 5 का, दूसरा बताया था 5 और 12, 13 का, तीसरा बताया था हमने क्या बताया था 15, 20, 25 का। ठीक है, और एक हमने बताया था 15, 17, 8, 15, 17, ये 4 ट्रिपलेट हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से इसका डायगोनल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने विकर्ण की लंबाई हमको क्या देके, इनका रेशियो देके रखा है, रेशियो जो है पहले विकर्ण है फिर चौड़ाई है, चौड़ाई का 3 दे के रखा है और इसका हमको 5 दे के रखा है, भाई ट्रिपलेट लग जाएगा। लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है, आधार ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 होता है ना, 5 हमको पता है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और हम इसमें एक्स जो है वो लगा लेते हैं, इन्होंने खेत के परिमाप की बात की है तो परिमाप जो हो जाएगा, ठीक है, परिमाप जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × L+B, मतलब 4x + 3x। ठीक है, तो 4 × 3 = 7 × 14, 14x जो है वो हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है खेत का परिमाप क्या हो जाए, तो इन्होंने कोई डेटा तो देके रखा नहीं है जो हमें x की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इस एक्स का जो भी हमारा होगा इसके मल्टीपल में ही होगा, अब 14 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्होंने एक डेटा देके रखा होता उससे हम इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो निकाल देते, डेटा दिया नहीं है, तो हमारा 14 का मल्टीपल ही हमारा आंसर हो जाएगा, और 14 का मल्टीपल ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 14 देके रखा है, तो 14 जो है वो हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ट्रिपलेट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बस हमें आधार निकालना था, सीधा सीधा क्वेश्चन में यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ये कह रहे हैं इफ
20 इफ द डायगोनल एंड विथ रेशियो ऑफ ए रेक्टेंगल एंड फिल्ड इज 5 रेशियो 3, व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है। तुम्हारा आंसर क्या निकला था? 14 निकला था, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है इन द मिडिल ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ साइज 80 मीटर x 60 मीटर देयर आर टू पार्ट्स ऑफ विथ 10 मीटर वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द विथ। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। 60 मीटर और 80 मीटर आकार के आयताकार लॉन के बीचों बीच में एक 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं, लंबाई के समांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इन्होंने बोला है एक आयताकार पार्क है, ठीक है, हमने एक आयताकार पार्क बना लिया जिसकी लंबाई 80 मीटर और 60 मीटर है, ठीक है, बीचों बीच में 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं, इधर बीच से एक 10 मीटर का रास्ता गया है और इधर बीच से, ठीक है, इधर के बीच से 10 मीटर का एक रास्ता गया है, ठीक है, 10 मीटर का एक रास्ता गया है। फिर उन्होंने कहा है लंबाई, एक लंबाई के समांतर है, दूसरा चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब ये जो रास्ता है हमारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है रास्ते की, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल जो है वो घटाना होगा, ठीक है। इसकी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, ट्रिक से भी हम करेंगे और प्रॉपर तरीके से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमें इसको प्रॉपर तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे भाई? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। भाई ये हमारा 10 है, ये इसकी, और ये हमारी, अगर ये 10 है, ये हमारा एक आयत बना रहा है, तो इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई 10 है, तो चौड़ाई हमारी कितनी होगी? 60 होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुणे में 60, ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी तो हमारा 10 है, 10 पर इसकी लंबाई जो है वो 80 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे में 80। और हमें माइनस क्या करना है, इसमें से जो माइनस करना है इसका एक हिस्सा माइनस करना है क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, जो कि 10 × 10 का हो जाएगा, 10 × 10 का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हुआ, 600, ये हमारा हुआ 800, माइनस का 100, ठीक है, तो 800 है, 100 किसी से घटा दो 500 हो जाएगा, 500 8 × 5 1300, 1300 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1300 मीटर स्क्वायर, सी वाला आंसर हो गया। ये तो हुआ हम एक तरीका। अगर इसको हम ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से हम कैसे करेंगे, तो ट्रिक का फॉर्मूला जो होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इस टाइप के रास्ते का जो क्वेश्चन होता है, उसकी ट्रिक हमारी होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसकी ट्रिक होती है D × यहाँ पे हम अलग कलर से लिखे दे रहे हैं, D × L+B − D। अब D क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, और L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, ठीक है। D मतलब 10, लंबाई थी हमारी 80, चौड़ाई थी हमारी 60, और चौड़ाई जो हमारी उसकी दी गई थी रास्ते की 10, ठीक है, ये थी हमारी। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, वही हमारा 8 × 5 13, ठीक है, 10 × 130, ठीक है, तो ये हमारा 1300 हो गया। अब जो भी तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला है, जो कई सारे हमारे फॉर्मूले हैं रास्ते के, ठीक है, अगर आप चाहते तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन इन फॉर्मूले का यूज करना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि हम इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है कुल 5 तरीके से हो सकता है, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल हम कुल 5 तरीके से कर सकते हैं। चलो हम पहले शेप बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पहला रेक्टेंगल, ये अरे यार, ठीक है, ये हमारा पहला रेक्टेंगल, और फिर से लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये हमारा दूसरा रेक्टेंगल, और ये हमारा कहाँ चला गया भाई, आ जाओ, यही होता है, गड़बड़ जब होता है तो होता ही रहता है,
ये हमारा तीसरा, और हमारा चौथा, और ये हमारा पांचवा रेक्टेंगल। ठीक है, ये पांच तरीके के रेक्टेंगल में रास्ते हमारे बन सकते हैं। ठीक है, पहले टाइप के रेक्टेंगल में हमारा रास्ता बीच में इस तरीके से हो सकता है, तब ये कह सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। दूसरे टाइप के रेक्टेंगल में ये कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से चौड़ाई में के समांतर एक रास्ता गया है, लंबाई के समांतर एक रास्ता गया है। ठीक है, तीसरे टाइप के रेक्टेंगल में ये कह सकते हैं कि पार्क में अंदर से इस तरीके से रास्ता गया है, मतलब पार्क के अंदर ये रास्ता बनाया गया है। ठीक है, अंदर के पार्क का क्षेत्र मतलब रास्ते का क्षेत्र बताओ। एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि पार्क के बाहर, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पार्क के बाहर हमारा रास्ता दिया गया है तो इस पार्क का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, और चौथे टाइप का क्वेश्चन जो है वो अभी हमने किया कि इस तरीके से दो रास्ते गए हैं हमारे, इस इन रास्तों का क्षेत्रफल जो है बताओ। ठीक है, तो सबके फॉर्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आप लर्न कर सकते हो तो बेस्ट है। इसकी लंबाई एल बी और इसकी है डी, सेम ऐसे ही एल बी और इसकी है डी, इसकी है एल, इसकी है बी और इसकी है डी, क्षेत्र वो जो रास्ता है उसकी डी है, याद रख, रास्ते की है डी, इसकी है एल, इसकी है बी, इसमें भी है बी और एल, रास्ते की है डी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, जहां पे इस तरीके से ये खड़ा खड़ा रास्ता जा रहा है तो इसमें रास्ते का क्षेत्रफल, क्या हम यहाँ पे डाल देते हैं रास्ते का क्षेत्र, रास्ते का क्षेत्रफल ट्रिक, तो इसमें क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बी इंटू में डी। इसमें हमारा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा जाके, एल इंटू डी। जब अंदर हमारा क्षेत्रफल मतलब अंदर की ओर रास्ता होता है तब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तब हमारा क्षेत्रफल होगा 2D L प्लस B माइनस का 2D। ठीक है, अंदर है ना तो अंदर की जगह घट जाएगी तो इसीलिए माइनस का 2D हो गया। अगर बाहर हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है बाहर का रास्ता है मतलब, तब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला होगा 2D और L प्लस B प्लस का 2D, तो एरिया जो है वो हमारा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, इस वजह से प्लस का 2D हो जाएगा। अगर इस तरीके से अंदर हमारा दो रास्ते बने हैं तब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा जाके, ये होगा डी इंटू एल प्लस बी माइनस का डी। बस ये पांच तरीके से हम आपको बता दिए हैं और इससे अलग हमारा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल तरीके हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, बस तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।